जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस रविवार को हम यीशु के अति पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं, कॉर्पस क्रिस्ती का पर्व मनाते हैं। रोटी और दाखरस के रूप में पवित्र परम प्रसाद में हम सचमुच में यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। हमारा कैथोलिक विश्वास यही है, हमें यही सिखाया गया है और हम यही विश्वास करते हैं कि परम प्रसाद में जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति है। हम हर मिस्सा बलिदान के दौरान प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय, योहन अध्याय 6 पद संख्या 55। यीशु के शरीर और रक्त से हमारा परिपोषण होता है। यीशु का शरीर और रक्त हमें बल प्रदान करता है। यीशु आगे कहते भी हैं आज ही के सुसमाचार में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें, योहन अध्याय 6 पद संख्या 56। अर्थात यीशु परमप्रसाद के रूप में आकर हमारे साथ निवास करने लगते हैं, वे हम में एक हो जाते हैं। यूकैट, जो युवाओं के लिए धर्म शिक्षा की पुस्तिका है, उसमें नंबर 208 हमें बताता है, जब हम रोटी के टुकड़े को खाते हैं तो अपने आप को यीशु के प्यार के साथ एक बना लेते हैं, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस के काठ पर अपना शरीर अर्पित कर दिया। जब हम कटोरे में से पीते हैं तो उनके साथ एक हो जाते हैं, जिन्होंने हमारे प्यार के खातिर अपने लहू तक बहा दिया। अतः जब हम यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो यीशु के साथ एक हो जाते हैं, उनके साथ हमारा मिलन हो जाता है। इसका सार यही है कि पवित्र यूखरिस्त के द्वारा यीशु का जीवन हम में संचारित होता है और हमारा जीवन उनके जीवन जैसा बदल जाता है। इसके संबंध में संत थॉमस अक्वाइनस कहते हैं, पवित्र यूखरिस्त का असल प्रभाव यह है कि वह इंसान को ईश्वर के समान परिवर्तित कर देता है। प्रिय भाइयों बहनों, अब हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम उस परिवर्तन को अपने जीवन में जीते हैं? क्या प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है? क्या हमारे अंदर भी यीशु की तरह प्रेम, दया, करुणा, शांति और सहानुभूति भरी हुई है? आज के दूसरे पाठ में हमारे लिए याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। हम कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्या 16 से 17 में पढ़ते हैं, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। अतः हम सब जो ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, ना केवल मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं, बल्कि उन सब के साथ जुड़ जाते हैं जो पवित्र परम प्रसाद के सेवन से उसी प्रभु के अंग बन गए हैं। अतः हम भी एक हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही प्रभु के शरीर और रक्त में सहभागी होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज जब हम यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, तो इसी बात को जानने और समझने की आवश्यकता है, जरूरत है कि हम सब जो पवित्र परम प्रसाद में यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, हम सभी उसके शरीर के अंग बन जाते हैं और प्रभु हम में निवास करते हैं, हम में से एक एक जन में निवास करते हैं। अतः हमें एक दूसरे को भी एक ही शरीर के अंग के रूप में सम्मान और प्यार करना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्यार करना है, सम्मान करना है। तो आइए यीशु के शरीर और रक्त के लिए हम उसको धन्यवाद दें और साथ ही साथ उनके जैसा, यीशु के जैसा बनने के लिए प्रार्थना भी करें। आमीन।